हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में सिलेबस में दो टॉपिक्स हैं, स्टैक्स एंड क्यूज़, तो वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो यहाँ भी आप नाम पर यदि फोकस करें, डेटा स्ट्रक्चर यानी डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, कैसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहला कहलाता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड अनदर इज कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिक डेटा टाइप से मिलकर बनते हैं, बेसिक या इनबिल्ट, या जिन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, जैसे इंट, कैरेक्टर, बूलियन। ये सारे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं? प्रिमिटिव या इनबिल्ट। तो इन डेटा टाइप से मिलके हमने जैसे एरे बनाते हैं या लिस्ट बनाते हैं, ये हो गए हमारे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। और दूसरा जो टाइप है वो है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। जब हम सिंपल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके नया डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर भी हम दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। पहला कहलाता है लीनियर एंड अनदर इज नॉन लीनियर। लीनियर मीन्स डेटा इज स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, दैट मीन्स जो एक लाइन में वो मेंटेन किया जा रहा है कि एक वन आफ्टर अनदर हमने डेटा को स्टोर किया है, देन इट इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर का मतलब है कि यहाँ पर एक के बाद एक स्टोर नहीं किए गए, कोई भी लेवल हो सकता है, मल्टी लेवल स्ट्रक्चर इसको फॉर्म कर सकते हैं, तो वो हो गया नॉन लीनियर। इसमें एग्जाम्पल्स में आते हैं ट्रीज एंड ग्राफ्स। नाउ सबसे पहला हमारा टाइप है स्टैक। स्टैक का क्या मतलब है? स्टैक मीन्स जब हम किसी भी चीज को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो कहलाएगा स्टैक। ठीक, तो हम यदि एक के ऊपर एक रख रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ रखी, मान लो बुक रखी हमने, तो एक बुक रखेंगे, देन दूसरी बुक रखेंगे, देन तीसरी बुक रखेंगे, तो कैसे रख रहे हैं? हम एक के ऊपर एक रख रहे हैं, यानी इसी ऑर्डर में रखेंगे। तो जो हम नई बुक ऐड करेंगे तो कहाँ करेंगे? सबसे ऊपर, मतलब रीसेंट पॉइंट पर, रीसेंट पोजिशन पर। और जब हम निकालेंगे तो सबसे रिसेंटली जो भी बुक हमने ऐड की है उसे हम निकालेंगे। ठीक, तो यही कंसेप्ट स्टैक में फॉलो होता है। द आइटम दैट इज एडेड एट द लास्ट विल रिमूव फर्स्ट। इसको हम समझते हैं फिगर से। यह हमारे तीन फिगर हैं, स्टैक ऑफ पेबल्स हैं, स्टैक ऑफ चपातीज और रोटीज, और स्टैक ऑफ कॉइन्स। तो कोई भी हम स्टैक करें तो हमें ये ऑर्डर फॉलो करना है। यदि हम पर्टिकुलर इसी फोल्डर में डेटा को मैनेज करते हैं तो हम बोलेंगे कि स्टैक हम बना रहे हैं। तो मान लीजिए हम कॉइन है, एक और कॉइन आपको रखना है, तो आप कहाँ रखेंगे? इसके ऊपर यहाँ रखेंगे। और जब हम कहेंगे कि स्टैक में से कॉइन को रिमूव करना है, तो रिसेंटली एडेड जो कॉइन होगा सबसे पहले हम उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद जो इंसर्ट हुआ था उसे करेंगे, देन सेकेंड वाले को करेंगे। दैट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में अंदर गया था वो सबसे पहले बाहर आएगा, तो इस ऑर्डर को बोलते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक के साथ में हम दो तरह के ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। ये यदि हम स्टैक मान लें कि हमारा ऐसा स्टैक बना हुआ है, तो जब भी हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो यहीं से इंसर्ट करेंगे। हमारा एलिमेंट आया, मान लीजिए हमने 5 डाला, तो 5 यहाँ पर स्टोर हो गया। तो टॉप जो है, टॉप पॉइंटर, ये बताता है कि रिसेंटली अभी कहाँ पर इंसर्ट होना है या कहाँ से डिलीट होना है। तो टॉप यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर इसने इंसर्ट किया 5। मान लीजिए आप 4 डालते हैं, तो अब 4 यहाँ आ जाएगा, और टॉप कहाँ आ जाएगा? इस पोजिशन को इंडिकेट करेगा। इस तरीके से जब एलिमेंट यहाँ तक फुल हो जाएंगे तो टॉप लास्ट को पॉइंट कर रहा होगा। और जब हम रिमूव करेंगे, यानी पॉप करेंगे, रिमूव का प्रोसीजर पॉप कहलाता है और इंसर्शन का प्रोसीजर पुश कहलाता है। तो जब हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे या पॉप करेंगे तो टॉप ये बताएगा कि कहाँ से आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। टॉप यदि यहाँ पर है, इसका मतलब यहीं तक एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, तो यहाँ से पॉप कौन सा एलिमेंट होगा? 4। यदि स्टैक फुल हो चुका है तो टॉप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा होगा, और पॉप कौन सा होगा? लास्ट जो इंसर्टेड एलिमेंट है वो सबसे पहले पॉप होगा।
ना उसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर हमने पांच एलिमेंट्स ले रखे हैं, 24, 56, 4, 9 एंड 2, जिसे हम वन आफ्टर वन इंसर्शन करेंगे, यानी पुश करेंगे। कहाँ करेंगे पुश? स्टैक में। तो ये हमारा स्टैक का डायग्राम हमने लिया है। सबसे पहले हमने पुश किया 24। जब हम पुश करने जा रहे हैं 24 को, तब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। जब हमने पुश कर दिया तो हमारा जो स्टेटस है स्टैक का वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा। इसके बाद यदि हम पुश 56 करेंगे, 56 कहाँ होगा? 24 के ऊपर इंसर्ट होगा। फिर यदि हमने पुश 4 किया तो वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। दैट मीन्स जो एलिमेंट पुश हो रहे हैं वो एक के ऊपर एक हो रहे हैं, और जब हम इसमें से रिमूव करेंगे तो ऊपर से एलिमेंट रिमूव होना स्टार्ट होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैक फुल होने के बाद ही एलिमेंट को पॉप किया जाए। हो सकता है इस मोमेंट पे आप यदि पॉप करना चाहते हैं तो 4 को ये पॉइंट कर रहा है टॉप, टॉप जो है वो रीसेंट एलिमेंट को पॉइंट करता है, तो रीसेंट एलिमेंट इज 4। तो जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पॉप होगा? 4 एलिमेंट पॉप होगा। तो इसी तरीके से यदि फुल हो चुका है स्टैक तो टॉप यहां पर पॉइंट आउट कर रहा होगा, और जब हम फुल होने के बाद यदि पॉप ऑपरेशन करेंगे तो सबसे पहले पॉप क्या होगा? 2। तो 2 को पॉप कर लिया हमने तो हमारा स्टैक इस तरह से दिखाई देगा। देन हम 9 को पॉप करेंगे, यहाँ एलिमेंट पॉप नहीं हो रहा, एक्चुअली पोजीशन से हमारा जो भी एलिमेंट डला हुआ है वो पॉप हो रहा है। हम एलिमेंट वाइज पॉपिंग नहीं कर रहे हैं कि 9 को पॉप कर दो या 56 को कर दो, हम केवल पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और पॉप कौन सा होता है? जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो पॉप होगा, वो सबसे पहले रिमूव होगा। इस तरीके से 24 जब रिमूव होगा तो स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। एप्लीकेशन का अर्थ क्या है कि स्टैक को कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को। तो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। आपने देखा होगा जब हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते हैं, हमने लिखा है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ पर आपको पता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ तो मैंने दो ही ऑपरेटर यूज किए, हो सकता है लंबा सा एक्सप्रेशन हो, कई सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, फिर उसमें हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवैल्यूएट होगा। यदि कोई एक्सप्रेशन में डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, पावर भी हो रहा है, प्लस माइनस भी हो रहा है, तो हमें पता है कि हम प्रेफरेंस किसको देंगे। हम जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं उनको प्रेफरेंस देंगे, देन हम डिवाइड वगैरह को प्रेफरेंस देंगे। तो इसका जो रिजल्ट है टेम्प्ररी कहीं होल्ड करके रखा जाएगा। जो पहले सबसे पहले जो ऑपरेशन हुआ है, मान लीजिए हमारा इस वाले में डिवाइड हुआ है, तो इसे कहीं पर होल्ड करके रखेंगे जिससे कि बाकी वाले रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होने के बाद उसमें हम इसको ऐड कर दें, या फिर जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। तो ऐसे केसेस में इवेल्युएट करने के लिए भी स्टैक का यूज होता है। फिर दूसरा टर्म लिखा है कन्वर्जन। यहाँ वर्ड लिखा है कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स। ये क्या होता है? जैसे हमने यहाँ लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी में जो प्लस साइन है दैट इज ऑपरेटर, और ए बी और सी क्या कहलाते हैं? ऑपरेंड्स। तो जब ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है, यानी ए प्लस बी इस फॉर्म में लिखा है, तो ये कहलाता है इनफिक्स। यदि ऑपरेटर को हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये कहलाएगा प्रीफिक्स, यानी कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड्स के पहले है, और यदि हमने इसको बाद में लिखा है तो ये कहलाएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक, तो जब हमें एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो वहां भी स्टैक का यूज होता है। बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, एक फोल्डर मान लेते हैं चलिए कि आपको कोई फाइल खोलनी है। अब वो ए फोल्डर के अंदर बी फोल्डर है, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, और डी के अंदर वो आपकी फाइल है। तो आप क्या कर रहे हो? ए के अंदर बी में जा रहे हो, बी से सी में जा रहे हो, सी से डी में जा रहे हो। डी में आके आपको पता लगा कि नहीं, हमारी फाइल डी में तो थी नहीं, कहीं और थी। तो आप क्या करोगे? बैक जाते हो। बैक करने के लिए क्या है इसका मतलब? बैक जा पा रहे हो, आप जब बैक की प्रेस करते हो तो आप वापस क्या करते हो? डी से सी में जाते हो। सी में कैसे जा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो पाथ है वो स्टोर किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये स्टोर इस तरीके से है कि हम सबसे पहले ए में गए थे, देन बी में गए थे, देन सी में गए थे, देन डी में गए थे। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? डी में है, डी से कहाँ जाएंगे? सी में, सी से बी में, बी से ए में। तो यहाँ पर किस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? स्टैक वाला, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो बैक ट्रैकिंग में भी हम स्टैक को यूज करते हैं। फिर है रिकर्शन। रिकर्शन मतलब क्या होता है?
एक फंक्शन जब खुद को ही कॉल कर रहा होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, और इस फंक्शन के अंदर हमने एफ को ही कॉल किया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन, और इस प्रोसेस को बोलेंगे रिकर्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जब इस फंक्शन में यही फंक्शन जब दोबारा से कॉल हुआ, तो वो इसके स्कोप को छोड़ के इस न्यू वाले फंक्शन में, न्यू भी उसी की कॉपी है मगर उस फंक्शन में वो जंप करेगा। जब वो इस फंक्शन से इस फंक्शन में जंप करेगा, उस वक्त जो पहला वाला फंक्शन था, इसके डेटा को कहीं वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उसका स्कोप लूज ना हो, उसका डेटा लॉस ना हो, तो वो कहीं एक टेम्पररी स्टैक में स्टोर करके रख लेगा। जब इस फंक्शन में अगेन एक और फंक्शन, मतलब यही सेम फंक्शन की कॉपी कॉल हुई है, तो यहां से जंप करेगा इसमें, तो इस सेकंड वाले फंक्शन की भी डेटा को कहीं ना कहीं वो स्टोर करेगा। और जब हम रिटर्न करते हैं, तो इस फंक्शन से वापस, मान लीजिए पहला फंक्शन 1 था, दूसरा 2 था, ये 3 था, तो वो 3 से 2 में जाएगा वापस, और 2 से 1 में जाएगा। तो ये भी यहाँ भी बैक ट्रैकिंग की तरह ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, रिकर्सिव फंक्शन यानी स्टैक यूज हो रहा है। टू रिवर्स स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्स में भी सेम प्रकार की एप्लीकेशन है कि स्ट्रिंग थी हमारी मान लो एबीसी, तो एबीसी में क्या करना है, रिवर्स करना है, यानी सी से बी, बी से ए, तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, मतलब स्टैक का यूज होता है। फंक्शन कॉल, कौन सा फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ है, उसके बाद कौन सा कॉल हुआ, फिर कौन सा कॉल हुआ, तो यहां भी सेम वे में स्टैक को यूज किया जाता है। नाउ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, यानी एक्चुअल में यदि हमें स्टैक की तरह से अपने डेटा को इम्प्लीमेंट करना है, हमें स्टैक के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, हम लिस्ट के साथ में करेंगे स्टैक को। यहाँ पर एग्जाम्पल समझने के लिए लिस्ट का यूज करने वाले हैं, और लिस्ट के जो फंक्शंस हमें यूज में आएंगे वो है अपेंड फंक्शन, पॉप फंक्शन, और हमने पॉप को 2 बार यूज किया। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं। अपेंड क्या करता है, अपेंड हमेशा लिस्ट में एंड में, लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। तो स्टैक में भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना था कि जब भी हम एलिमेंट को ऐड करें तो वो कहाँ ऐड होता है, एंड में। तो एंड में ऐड करने के लिए हमने अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, देन पॉप फंक्शन। अब पॉप फंक्शन में हमें 2 तरीके से हम पॉप को यूज कर सकते हैं, इंडेक्स देके और एक केवल पॉप लिख के। इंडेक्स देके मतलब हम पोजीशन बताएं कि कौन से पोजीशन का एलिमेंट पॉप करना है, और केवल पॉप लिखेंगे, इंडेक्स नहीं बताएंगे, तो हमेशा लास्ट एलिमेंट पॉप होगा यानी रिमूव होगा। दैट मीन्स हम इस वाले पॉप को यूज नहीं करेंगे, हम इस अपेंड को यूज करेंगे और इस पॉप को करेंगे, क्योंकि हमेशा ही हमें लास्ट एलिमेंट जो है उसे ही रिमूव करना है। यदि हम मान लीजिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एलिमेंट है, 4 हमने लास्ट में ऐड किया, सबसे पहले 4 पॉप होगा, और जब अगली बार में हम पॉप करेंगे तो ये एलिमेंट हट चुका होगा, तो हमारा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा 3, तो इस बार पॉप होगा 3। तो देखते हैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले यदि इंसर्ट करना है एक एलिमेंट को स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट की हमने, ये एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट हमने क्रिएट की, क्योंकि फिलहाल हम मान के चल रहे हैं हमारे पास एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया है। अब यदि हमें यूजर कहता है कि एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है स्टैक में, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एलिमेंट को रीड कराएंगे। हमने यहाँ रीड करा लिया एक इंटीजर टाइप का डेटा, रीड करा के हमने किस में स्टोर कराया, डेटा नाम के वेरिएबल में। इस डेटा नाम का जो वेरिएबल है, इसमें जो डेटा है, हमें कहाँ डालना है उस डेटा को, स्टैक में। तो हमने जो स्टैक नाम की लिस्ट ली थी उसमें हमने अपेंड कर दिया डेटा को। मान लीजिए इस ऑपरेशन को हम 4 बार रिपीट करते हैं, इंसर्शन ऑफ डेटा को, तो वो 4 एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो अपेंड डेटा किया है, मान लेते हमारे स्टैक जो है एम्प्टी स्टैक इस तरह का था, हमने इसमें 4 इंसर्ट किया, तो 4 यहां पर ऐड हो जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट वही लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि अपेंड में उसी जगह पे इंसर्ट होगा। मान लीजिए इस स्टेटमेंट को, ये 2 स्टेटमेंट को हम फिर से रन कराते हैं, एक बार और इनपुट लिया और फिर से अपेंड कराया, अब की बार हमने 5 डाला, तो क्या होगा, अपेंड कहाँ होगा, लास्ट में। तो इस तरीके से एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, जितने हम चाहें यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा प्रोग्रामिंग में हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें इतने ही एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो वो उसका साइज बन जाए। अब बात करते हैं डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। यदि हमें एलिमेंट डिलीट करना है, पॉप करना है, तो कैसे करेंगे, स्टैक एसटीके हमारी लिस्ट थी जिसको हमने स्टैक नाम दिया है, डॉट पॉप, पॉप
पॉप फंक्शन में हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया, दैट मींस वो जो लास्ट एलिमेंट होगा, जो रिसेंटली एडेड एलिमेंट है, उससे रिमूव करके कहाँ डाल देगा, पी में डाल देगा। ठीक, पी में जो डाला उसने, हमें हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दिया कि पॉप्ड पी फ्रॉम स्टैक। यदि मान लीजिए उसने फोर पॉप किया है तो आ जाएगा पॉप्ड फोर फ्रॉम स्टैक। नाउ कैलकुलेटिंग साइज ऑफ स्टैक, यदि स्टैक का हमें साइज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, लेन फंक्शन का यूज करेंगे। इसमें हमने क्या पास कर दिया, स्टैक पास कर दिया, स्टैक मतलब हमारी लिस्ट पास कर दी, उसकी वो लेंथ कैलकुलेट करके लेंथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। नाउ प्रिंटिंग एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, मान लीजिए आपको ऐसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जहां पर आपको ये देखना है कि आपके स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट है। तो चूंकि हमारा स्टैक का ऑपरेशन रिवर्स ऑर्डर में होता है तो हम रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट करवाएंगे। और कैसे प्रिंट करवाएंगे, हमने अभी लेंथ कैलकुलेट की थी, मान लीजिए हमारी लेंथ आती है 5, तो हमें क्या करना है, 5 से लेके कहाँ तक प्रिंट कराना है, लेंथ 5 है तो इसका मतलब है इंडेक्स जो होगा हमारा क्या होगा, -1, यानी कि 4 से लेके 0 तक का इंडेक्स होगा। ठीक, यदि हमारी 5 लेंथ है तो हमारे पास इंडेक्स होना चाहिए 4 to 0। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन में हमने क्या पास किया, इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, लेंथ -1, यानी 5 -1 4 हो गई। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, कहाँ तक प्रिंट कराना है, हमें पता है रेंज फंक्शन एक कम एलिमेंट तक वैल्यू जनरेट करता है, तो हमें क्योंकि 0 तक करना है तो 0 से एक कम हो गया -1, तो हमने यहाँ पर दे दिया -1, और इनके बीच में स्टेप क्या दे दिया, -1, यानी कि क्या होगा, सबसे पहले 4 निकलेगा, 4 के बाद क्या होगा, 3, देन 2, देन 1, देन 0, यहां तक की वैल्यूज जनरेट होगी, क्योंकि 4 -1 3, 3 -1 2, 2 -1 1 एंड 1 -1 0, यहां तक लूप चलेगा। और प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, स्टैक के पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो पोजीशन है, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आने वाली है, 4, तो स्टैक 4 क्या प्रिंट होगा, स्टैक 4, यानी जो हमारा फोर्थ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसे वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हम स्टैक को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट प्रोग्राम बना लिया, ये जो हमने छोटे छोटे ऑपरेशन अभी सीखे थे इन सबको कंबाइन करके कंप्लीट प्रोग्राम बना दिया। तो इस प्रोग्राम को समझते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया था, एक स्टैक नाम की लिस्ट ली थी, एम्प्टी लिस्ट। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक चॉइस वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू इनिशियल हमने y रखी, और हमने वाइल लूप का यूज किया है। वाइल लूप यहां से यहां तक पूरा का पूरा वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। तो वाइल लूप हम कब तक चलवा रहे हैं, हम कह रहे हैं जब तक चॉइस की वैल्यू कैपिटल y या फिर स्मॉल y है तब तक ये लूप चलता रहे। ये लूप चलेगा और सबसे पहले क्या करेगा, यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, मैसेजेस को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, 1 फॉर पुश इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक, 2 फॉर पॉप एलिमेंट, ट्रावर्स एलिमेंट, ये सारा का सारा जो मैसेजेस हैं ये पूरे के पूरे एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। फिर प्रिंट होगा एंटर योर चॉइस एज पर द अबव मेन्यू, दैट इज 1 2 3, 1 से लेके 3 के बीच की कोई भी वैल्यू यूजर को हम डालने के लिए बोलेंगे। और उसे कहाँ स्टोर करा लिया हमने, ओपीटी नाम के वेरिएबल। अब हमने चेक किया कि यूजर ने क्या डाला है ऑप्शन में, ओपीटी नाम के वेरिएबल में क्या डाला है। यदि उसने 1 डाला है तो 1 का मतलब क्या है, पुश कराना है हमें एलिमेंट को। तो पुश में हमें कैसे करना था, पुश ये हम एक एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, रीड कराएंगे यूजर से, और उसे कहाँ करा देंगे, लिस्ट में अपेंड करा देंगे। यही ऑपरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो स्टैक हमारी लिस्ट ऊपर बन चुकी थी, डी में हमने रीड किया और डी को अपेंड कर दिया। तो स्टैक के थ्रू जो एलिमेंट है वो स्टैक में क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है, मतलब इंसर्ट हो रहा है। ये फिर ये लूप यहां से else if पार्ट है, ये एक इफ, यदि ये ट्रू है तो else if पर तो जाएगा ही नहीं, यानी एक भी एलिमेंट यहां से यहां तक कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि सारा else पार्ट। फिर से वो ऊपर लूप में जाएगा, लेकिन लूप में जाने के पहले हमने एक लाइन और लिख रखी यहां पर, चॉइस इक्वल टू इनपुट डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू। मान लीजिए अब आपको फिर से एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ क्या डाल देंगे, अगेन जब ये इनपुट मांगेगा आपने डाल दिया वाई,
वाई डाला तो ये फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर चेक करेगा कि क्या चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई या स्मॉल वाई है। यदि आपने वाई डाला होगा तो अगेन उसको वाई मिलेगा, वाई मिलेगा तो अगेन वो ये मेन्यू को डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले करने के बाद फिर से आपसे ऑप्शन मांगेगा। इस बार आपने ऑप्शन में फिर से वन डाला तो अगला एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा, अगला एलिमेंट इंसर्ट करेगा फिर से वो उसको अपेंड कर देगा। दैट मीन्स जितने भी बार आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें कर देंगे। करने के बाद आपने क्या किया, इसमें मान लीजिए अब आपको पॉप कराना है, नेक्स्ट टाइम जब उसने ऑप्शन मांगा आपने दे दिया टू, तो टू ऑप्शन होने पे उसे क्या करना है, पहले तो चेक करेगा, हो सकता है गलती से पहली इनिशियल आपने प्रोग्राम रन किया और तभी आपने टू दे दिया, तो उस केस में वो पहले चेक करेगा कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। स्टैक मतलब आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है, यदि एम्प्टी है तो मैसेज प्रिंट करेगा स्टैक इज एम्प्टी। ठीक, यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर वो पॉप ऑपरेशन करने के लिए यहां आएगा एल्स पर, और क्या करेगा, stk डॉट पॉप, पॉप फंक्शन में हमने इंडेक्स नहीं दिया तो वो लास्ट एलिमेंट को पॉप करके p में स्टोर कर देगा और हमने मैसेज प्रिंट करा दिया पॉप्ड p फ्रॉम स्टैक। यदि हमने टू ऑप्शन नहीं डाला, मान लीजिए थ्री डाला है, थ्री डालने पे हमने क्या बोला, ट्रावर्स स्टैक डेटा, ट्रावर्स का मतलब है डिस्प्ले कराना, हर एलिमेंट को विजिट करना। तो यहां पर क्या किया उसने, पहले तो लेंथ पता लगाई कि स्टैक में लेंथ कितनी, हो सकता है आपने दो एलिमेंट डाले हो, तीन एलिमेंट डाले हो, जितने एलिमेंट डाले हैं उसकी लेंथ आ जाएगी लेंथ नाम के वेरिएबल में, और फिर अभी हमने डिस्कस किया था उसी लूप से हमने सारे एलिमेंट प्रिंट करा लिए। और मान लीजिए आप 1, 2, 3 के अलावा कोई डालते हो तो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ क्यू। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और क्यू का मतलब होता है कतार, लाइन, यानी आप जैसे लाइन लगाते हैं एक क्यू लगाते हैं किसी भी सिनेमा हॉल में या किसी रिजर्वेशन बुकिंग सिस्टम के लिए या कहीं भी आप जाते हैं तो एक क्यू लगती है, आप टेम्पल में जाते हैं वहां भी एक क्यू लगाते हैं, तो उस क्यू में क्या ऑर्डर होता है, जो सबसे पहले उस क्यू में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। यदि मान लीजिए कि ये हमारे एक रेलिंग लगी हुई है तो जो आदमी सबसे पहले यहाँ पर अंदर आया है वो यहाँ आ गया, और जब उस सबसे पहले इसी का काम होगा और ये सबसे पहले बाहर निकलेगा, दूसरा जो आदमी आएगा वो यहाँ पर लग जाएगा यानी सेकंड पोजीशन पे, और इसके बाद कौन बाहर आएगा, ये वाला बाहर आएगा, यानी ये किस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले अंदर गया था वही सबसे पहले बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फीफो। जो लास्ट हमारा स्टैक था वो लीफो ऑर्डर फॉलो कर रहा था यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यहां पर हमारा जो क्यू है वो फॉलो करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए यहाँ पर क्यू एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, सिनेमा हॉल में, रेलवे बुकिंग काउंटर में या बैंक काउंटर में इसी तरह की क्यूज लगती है, तो जो सबसे पहले अंदर आया था वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्यू। अब क्यू का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर फॉलो होता है, सबसे पहला लिखा है सर्विंग मल्टीपल रिक्वेस्ट। मान लीजिए सीपीयू के पास कई सारी रिक्वेस्ट जाती है, कई सारी रिक्वेस्ट कैसे जाती है, मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मान लीजिए प्रिंटर है और कोई प्रोसेसिंग भी चल रही है, स्कैनर भी लगा हुआ है, और आपने कमांड एक के बाद एक दे दी, कुछ कम प्रोग्राम रन करने के लिए भी दे दी, प्रिंटर पे प्रिंट करने के लिए भी दे दिया, सीपीयू से कोई टास्क को प्रोसेस कराना है उसके लिए भी आपने कमांड दे दिया, तो सीपीयू उनको कैसे हैंडल करता है, वो सबसे पहले देखेगा सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट आई थी, यानी यहां पर कौन सा हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस ऑर्डर को वो फॉलो करेगा, यानी सबसे पहले जो आई थी रिक्वेस्ट उसी को सबसे पहले हैंडल करेगा। तो ऐसे केसेस के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स में भी वही है कि जो सबसे पहले इंटरप्ट आया था उसी ऑर्डर में वो सबसे पहले हैंडल किया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो में एक एग्जांपल लिया है कि कॉल सेंटर है मान लीजिए फोन सिस्टम्स का, तो इसमें भी क्या होगा, जो सबसे पहले जिसका कॉल आया है उसी को सबसे पहले सर्विस दी जाएगी। नाउ यहां भी दो तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो मेन ऑपरेशन से इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन क्यू के अंदर जब इंसर्ट करते हैं तो इस ऑपरेशन को हम इंसर्शन बोल सकते हैं या फिर एनक्यू बोला जाता है, और जब हम उस एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसे डिलीशन या फिर डीक्यू कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी दो ऑपरेशंस होंगे, एनक्यू एंड डीक्यू या फिर इंसर्शन एंड डिलीशन।
वहां पर जब हम स्टैक की बात कर रहे थे तो एक एंड था, क्योंकि एक ही जगह से इंसर्शन हो रहा था, एक ही जगह से डिलीशन हो रहा था। मगर क्यू के केस में क्या है, इंसर्शन और डिलीशन अलग अलग एंड से होगा, यानी यहां पर दो एंड है। दोनों एंड्स को बोलेंगे फ्रंट एंड एंड रियर एंड, बैक मतलब रियर एंड। दो एंड को हम यहां पर डील करते हैं, रियर एंड एंड फ्रंट एंड। तो जब भी हमें रिमूव करना होता है तो हम फ्रंट एंड से रिमूव करेंगे, और जब हमें इंसर्ट करना होता है तो हम रियर एंड से इसको इंसर्ट करते हैं। फिर से हम समझते हैं आगे। देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, 5 एलिमेंट्स के लिए क्यू बनाई है। यदि इसको हम मान लें कि ये हमारा एक क्यू के लिए स्पेस है, ठीक। तो सबसे पहले जब हमारा एलिमेंट आएगा 24, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, वन पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। ये हमने ऊपर इंडेक्स दे दिए, पोजीशन दे दिए। 56 आएगा तो 24 के बाद 56 2 पे इंसर्ट होगा। इस तरीके से हमने सारे इंसर्ट कर दिए। और जब डिलीशन करेंगे, यानी डी क्यू जब करेंगे एलिमेंट का, तो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, यानी वन पोजीशन पे, हमारा इंसर्ट करते हुए पोजीशन तो यहाँ लास्ट में पहुंच गई है, इंसर्शन वाली, यानी ये रियर एंड है। लेकिन जब डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पर फ्रंट एंड का यूज करेंगे, यानी फ्रंट कहाँ पर है, हमारा फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट पोजीशन का। सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे या डी क्यू करेंगे, देन इसको करेंगे, देन इसे करेंगे। तो इस तरीके से हम कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां भी वही सेम फंक्शंस का यूज हो सकता है, अपेंड का और पॉप का, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने अपेंड किया था कि एंड में ऐड हो रहा था, वही सेम प्रोसीजर यहां भी हो रहा है कि एंड में ऐड हो रहा है, लेकिन पॉप जो है वहां पर हमने इस पॉप को यूज नहीं किया था, यहां पर यही वाला पॉप यूज होना है। यहां पर ये पॉप यूज नहीं होगा, क्योंकि यहां इंडेक्स नहीं देंगे तो ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा, जबकि हमें क्या करना है, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। फर्स्ट एलिमेंट कहां पर होगा, जीरो पोजीशन पे, यानी हम कैसे पॉप करेंगे, इंडेक्स पोजीशन देंगे और वहां से हम उसको पॉप करवाएंगे। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने क्यू नाम की एक लिस्ट ले ली, एम्प्टी लिस्ट ले ली। सिमिलर वे में जैसे हमने स्टैक के लिए मैसेजेस प्रिंट कराए थे कि वन फॉर पुश और टू फॉर पॉप, ऐसे ही हमने इसके लिए भी प्रिंट करा दिए कि वन फॉर एन क्यू, टू फॉर डी क्यू, थ्री फॉर ट्रावर्स, मतलब प्रिंटिंग करानी है। और एक और ऑप्शन दे दिया है हमने, फोर फॉर एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए हमने एक मॉड्यूल और यहाँ पर यूज किया है, इम्पोर्ट सिस, सिस्टम कमांड्स को रन करने के लिए हम यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने ऑप्शन मांगा कि एंटर योर चॉइस एज पर द अबव मेन्यू 1 to 4। तो यूजर डालेगा, यदि यूजर ने 1 डाला है तो ये क्या करेगा, एक एलिमेंट को रीड कराएगा यूजर से और क्यू में अपेंड कर देगा। यदि यूजर ने 2 डाला है तो बिल्कुल स्टैक की तरह ही हम पहले चेक कराएंगे कि हमको डिलीट करने के पहले हम चेक करा रहे कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो हम रिमूव नहीं करेंगे उसमें से, हम प्रिंट करा देंगे कि क्यू इज एम्प्टी। और यदि एम्प्टी नहीं है तो हम पॉप कौन सा एलिमेंट करेंगे, 0th इंडेक्स का, क्योंकि जो शुरू में एलिमेंट इंसर्टेड है उसी को हमें बाहर निकालना है। तो जो 0th पोजिशन पे वो पी में आ जाएगा, जो भी 0 पोजीशन पे एलिमेंट होगा, और हम प्रिंट कर देंगे डिलीटेड पी फ्रॉम क्यू। मान लीजिए कि आपने एलिमेंट इंसर्ट किए थे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, सबसे पहले एलिमेंट आपने 1 इंसर्ट किया था, पॉप करने पे पॉप कौन सा हुआ, ये एलिमेंट पॉप हुआ, तो अब 0th इंडेक्स इसका हो जाएगा। अगली बार पॉप करेंगे तो ये रिमूव होगा और इसका 0th इंडेक्स बन जाएगा, ये 0 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरनली मॉडिफाई करता है, यहां पर हमें ये इन चीजों को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती पाइथन के केस में। तो पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इजी तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें यदि ट्रावर्सिंग करानी है, डिस्प्ले करने हैं एलिमेंट्स क्यू के, तो क्यू जो है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्डर में हमें प्रिंट करानी है। तो हमने इसमें लेंथ कैलकुलेट की कि क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं, उसकी लेंथ ले ली और सिंपल से 0 से लेंथ तक हमने इसको लूप चला दिया। रेंज में 0 से लेंथ, लेंथ मान लीजिए यहाँ पर हमने से 1 2 3 4 5 लिया, तो 5 इसकी लेंथ आएगी, लूप चलेगा 0 से 5, 5 माइनस 1 मतलब 4, 0 से 4 टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या करेगा, वही 0 1 2 3
इस तरीके से आई की पोजीशन एक एक करके आती जाएगी, आई में जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू, और ये हर एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा। और यदि आपको किसी मोमेंट पर लगता है कि अब आपको ऑपरेशंस नहीं कराने हैं, कोई एग्जिट कराना है, तो यू कैन एंटर फोर इन ऑप्शन। आपने एंटर चॉइस में आपने यदि फोर दे दिया, ये देखेगा कि ऑप्शन यदि फोर है तो ये क्या कर देगा, सिस डॉट एग्जिट फंक्शन को कॉल कर देगा, जिससे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और वन टू थ्री फोर के अलावा आप कोई एलिमेंट डालते हैं, कोई भी और वैल्यू डालते हैं, देन इट विल गिव इनवैलिड ऑप्शन। तो ये हमारा हो गया क्यू का इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।